बिल्कुल बैंक हमारे साथ ही है, दो गलियां छोड़ के। विद इन फ्यू सेकंड्स वहां से दो बंदे निकल आए, बल्कि उनका जो गेटअप था वो हॉलीवुड के जिस तरह स्टाइल में, उन्होंने ब्लैक मास्क चढ़ाए हैं, हाथों पे ग्लव्स चढ़ाए हैं, राइफल्स मतलब पिस्टल वाली बात तो पुरानी हो गई है, उनकी जो राइफल्स हैं वो मैं देख के दंग रह गया हूँ। मेरा गाड़ी लॉक थी तो उसने शीशे पे बिल्कुल मेरे गन दो बार पुश की है राइफल बड़ी। साथ वाले ने उसे कहा कि यार जो करना जल्दी करो, ब्रश चलाओ, जो करना जल्दी करो, बस टाइम नहीं है। ये बिल्कुल साथ थाना है और वो मैंने आज सेफ सिटी कैमराज देखे हैं, वो आई भी थाने के पास ही है, दोबारा गई भी थाने के पास है। 15 पे कॉल की है, पुलिस का ऐसे हजूम इकट्ठा हुआ जैसे कोई बॉर्डर पे जंग लग गई हो, कोई गाड़ी यहाँ से आ रही है, कोई गाड़ी वहाँ से आ रही है, गाड़ियों पर ढेर लग गया। मुझे ऐसा लगा कि शायद आज रात ही मेरा मसला हल हो जाएगा। जितनी स्पीड से वो आए हैं उतनी स्पीड से हर बंदा गायब। मैं फिरोजपुर रोड से आ रहा था, कोई पेमेंट थी पास, कुछ भाई मेरा जो है ना वो बैंक में था, वो बेसिकली गया हुआ था बाइक पे, तो मैंने उसको बल्कि कहा, मैंने कहा यार हालात ख़राब है, मैं गाड़ी में आ जाता हूँ तो मैं पिक करता हूँ, फिर हम बिल्कुल बैंक हमारे साथ ही है, दो गलियाँ छोड़ के। मैंने उसको गाड़ी में बैठाया, हम लोग विद इन 1 to 2 मिनट हम अपने गेट के आगे पहुँच गए हैं। जब गेट के आगे हैं तो एक वाइट कलर की होंडा सिविक गाड़ी आई है और वो इस तरह आई है कि पहले वो थोड़ा आगे गई है, उसने देखा कि आगे जाने का रास्ता है या नहीं है। भाई मेरा उतर के अंदर गया था कि वो कोई बैग शैग ले आए ताकि वो पैसे उसमें डाले, वो को अंदर हमारे घर में काम हो रहा है तो भी कोई मिस्त्री मजदूर हैं, तो वो इतनी देर में मैं शशोपन का शिकार था कि शायद जो गाड़ी है ना वो किसी महल्ले वाले की है, कोई इधर लगने लगी उधर। उसके बाद गाड़ी स्लोली रिवर्स हुई है और मुझे ये लगा जैसे कोई वो घर ढूंढ रहा है या कोई मोहल्लेदार की किसी की गाड़ी है। मैं अपने घर के गेट से गाड़ी बिल्कुल अपनी दीवार के साथ पार्क करने लगा तो वो गाड़ी ना बिल्कुल मेरे पास आ गई। मुझे थोड़ा सा शुभ हुआ, नेगेटिव वाइब्स आई कि यार कुछ गड़बड़ है, लेकिन जितनी देर में मैंने थोड़ी सी गाड़ी भी वहाँ से हिलाई, मैंने रिवर्स की, उसने भी रिवर्स की, थोड़ी सी मैंने आगे की तो उसने बिल्कुल मेरा रास्ता रोक लिया। और जितनी देर में मैं कुछ सोचता या मैं होमवर्क करता, सडनली दोनों तरफ से दरवाजे खुले हैं, बल्कि उनका जो गेटअप था वो हॉलीवुड के जिस तरह स्टाइल में, उन्होंने ब्लैक मास्क चढ़ाए हैं, हाथों पे ग्लव्स चढ़ाए हैं, और आई एम सो सरप्राइज लाहौर शहर के अंदर फुल ब्लैक शीशों वाली गाड़ी और वो राइफल्स के साथ बंदे निकले हैं। राइफल्स मतलब पिस्टल वाली बात तो पुरानी हो गई है, उनकी जो राइफल्स हैं वो मैं देख के दंग रह गया हूँ। फौरी आके मेरे शीशे पे आए हैं, मेरा गाड़ी लॉक थी तो उसने शीशे पे बिल्कुल मेरे गन दो बार पुश की है राइफल बड़ी। साथ वाले ने उसे कहा कि यार जो करना जल्दी करो, ब्रश चलाओ, जो करना जल्दी करो, बस टाइम नहीं है। तो उसने कहा जी 3 गिनने हैं, उसके बाद हमने ही जल्दी जाना। अच्छा, वो दरवाज़ा मैंने फौरी खोल दिया, वैसी पोजीशन में रिजिस्ट मैंने बिल्कुल नहीं किया, मैंने दरवाज़ा खोला है। उसके बाद एक ने बिल्कुल मेरे ऊपर मेरे यहाँ पे चेस्ट पे बिल्कुल उसने रख लिया, बल्कि उसने रखी क्या, उसने जब रखा तो बड़ी ज़ोर से उसने मुझे पहले मारा यहाँ पे, उसके बाद उसने गन रख ली वहाँ पे। पिछले ने एक बार आगे से देखा है, वो पीछे बैग नज़र आ गया तो उसने फिर पिछला दरवाज़ा खोला, पीछे से पकड़ा है, कुछ पैसे मेरे आगे पाँव में पड़े हुए थे ड्राइविंग सीट के साथ वाले, उसने वो पकड़े हैं। और ऐसी पोजीशन में अब मेरे घर के अंदर कैमरों में मेरे जो सर्वेंट्स हैं उन्होंने देख लिया था, भाई ने भी देख लिया था, लेकिन उन्होंने भी एक अच्छा एकदम ये किया कि उन्होंने रिजिस्ट नहीं किया, उन्होंने देखा कि मैं बिल्कुल उनके गन पॉइंट पे हूँ, तो उन्होंने बिल्कुल वो कोई किसी किस्म की रेजिस्टेंस नहीं की। विद इन मेरा ख्याल 30 सेकंड्स के अंदर अंदर उन्होंने सब कुछ लूटा है, अपनी गाड़ी में बैठे हैं चले गए। लाहौर शहर में फैसल टाउन इस वक्त ये बिल्कुल साथ थाना है और वो मैंने आज सेफ सिटी कैमराज देखे हैं, वो आई भी थाने के पास ही है, दोबारा गई भी थाने के पास है, मतलब वो उनका रूट भी वही था, मॉल टाउन में वो एंटर हुई है बिल्कुल थाने वाली साइड पे। उनको किसी किस्म का हमारे शहर में कोई डर खतरा कोई नहीं है, मतलब सिग्नल पे गए हैं, सिग्नल पे खड़े हुए हैं, उनकी कोई स्पीड नहीं थी, वो ऐसे तसल्ली से गए हैं जैसे उन्हें कोई खौफ खतरा कुछ नहीं है, वो अपनी आराम से उन्होंने गाड़ी मोड़ी है, जिस रूट से आए थे उसी रूट से होते हुए वापस चले गए। जाते हुए उन्होंने मेरी गाड़ी की चाबी निकाली, बल्कि आप फुटेज में देखेंगे वो चाबी नीचे गिर गई, उसने फिर वो नीचे से पिक की, बल्कि उसने मुझे थ्रेटन किया, उसने मुझे कहा कि जी अपना अगर किसी किस्म की भी आपने हमारी गाड़ी गायब होने से पहले आपने बाहर भी आने की कोशिश की तो हम हमारे लिए बिल्कुल आसान है, हम पीछे से आपको ब्रश कर देंगे और ऑटोमेटिक गन है। मैं उसने मुझे पूरा अच्छी तरह से डराया धमकाया थ्रेटन किया, और वो तो मैं तो जब तक उसकी गाड़ी नज़र आंखों से मुड़ी नहीं, ओझल नहीं हुई, मैं अपनी गाड़ी में बैठा रहा। तो वो गए हैं 2-3 दिन में, वो सारे घर वाले भी बाहर आ गए और सारे मोहल्ले वाले इकट्ठे। 15 पे कॉल की है, पुलिस का ऐसे हजूम इकट्ठा हुआ जैसे कोई बॉर्डर पर जंग लग गई हो, कोई गाड़ी यहाँ से आ रही है, कोई गाड़ी वहाँ से आ रही है, गाड़ियों का ढेर लग गया,
ASP आ रहे हैं, SP साहब आ रहे हैं, मुझे ऐसा लगा कि शायद आज रात ही मेरा मसला हल हो जाएगा। तो वो जितनी स्पीड से वो आए हैं उतनी स्पीड से हर बंदा गायब। उसके बाद मैंने 2 घंटे निकाले, मैं गया हूँ, मैंने जाके उनको पूछा जी FIR, वो कहते दरख्वास्त जमा कराई है। मैंने कहा नहीं, मुझे तो प्रोसीजर नहीं पता, मैं मेरा कोई कभी ऐसा वाकया नहीं हुआ। मैंने वो लिखी, उसके बाद जी FIR, वो कहते जी आप 2 घंटे बाद आए। मैं 2 घंटे बाद गया हूँ, उन्होंने कहा जी अभी वो मुतल आपने हमने वो काट दी है दरख्वास्त, अब आप जो नंबर लिखा है ना उस पर ASI था कोई आफ्ताब साहब, उन्हें आप फ़ोन करें। मैं उन्हें फ़ोन किया, उन्होंने कहा जी मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ। अच्छा जी, नमाज़ पढ़ ली, उसके बाद फिर 2 घंटे बाद फ़ोन किया, कर लेते हैं, फिर दोबारा फ़ोन किया आधे घंटे बाद आ जाना। फिर मैं कुछ 7 बजे मैंने कोई मुख्तसर मतलब कोई 5-7 चक्कर काटने के बाद वो आगे से पता चलिए मुहर्रर पास जाए, मुहर्रर ने कहा जी वो लिख दिए बस, वो अभी मैसेज आ जाएगा, आपको मैसेज आया? मैं कहा नहीं आया। तो आ जाएगा यार, क्यों बार बार आ रहे हो? मैं कहा जी 4-5 घंटे पहले तो इस तरह फौज आई थी मेरे को, जिस तरह मसला हल हो जाएगा, 5 घंटों में सब गए, फिर मैं पीछे पीछे हूँ, वो आगे आगे हैं। FIR कट गई, अगला दिन गुजरा तो मैं गया हूँ सुबह, मैंने पूछा जी मेरा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कौन है? मैं कहा जी अपना ताहर साहब है जो इंचार्ज है यहाँ के। मैं कहा मैं बड़ा कुछ, मैं कहा जी इंचार्ज साहब क्या इन्वेस्टिगेशन है तो मसला हल हुआ ही हुआ। तो उनको फ़ोन किया है, उन्होंने मुझे बातों में तो बिल्कुल अच्छी तरह पूरा किया, उनका रवैया भी अच्छा था, लेकिन उन्होंने मुझे बातों में पूरा किया है, उसके अलावा वो कहीं साथ नहीं किया। उन्होंने मुझे कहा जी आप सेफ सिटी कैमरे चले जाएं उधर। मैं कहा जी अच्छा, 2 बंदे दिए, एक बंदा दिया मुझे गुलाम हुसैन साहब की, गुलाम साहब वो SI हैं, वो मेरे साथ गए, उन्होंने मुझे वीडियोज़ दिखाई, वो मैंने सारा दिन को 5-7 घंटे लगा के वीडियो देखी, उसमें जो ट्रैक थोड़ा बहुत हुआ वो मैंने बताया ऐसे ऐसे ऐसे, उसके बाद वापस आ गए। तो मैंने कहा जी ये इन है आउट नहीं है। वो कहते जी आप दोबारा आ जाए, आपको हम बंदे के साथ चले जाएँ, आप घर हो के वो आप देखते जाए CCTV कैमराज, तो जैसे ही कोई रिकॉर्ड मिलता है। अच्छा मैं भी जाहिर सी बात है एक अमाउंट गई है बड़ी अमाउंट, मैं भी साथ उनके गया हूँ, जाके मैंने बेलें दी हैं, वो मेरे साथ उधर से हम बेल दे दे के रिक्वेस्ट कर करके, जहाँ जहाँ पे CCTV कैमराज हमने आगे तक देखे मॉल्टन में, हर जगह उनका सुराग मिलता गया हमें, वो एक ट्रेल चलती गई है। फिर कोई 2-3 घंटे के बाद जो मेरे साथ गए थे उनकी भी बस हो गई, उन्होंने मुझे कहा जी अपना सर जी वो उधर कहते हैं मुझे घर में कि गड्डी नंबर की है, ए गड्डी नहीं है। मैं कहा यार गाड़ी नंबर है LEB551, ये तो कल का पता है। तो वो कहते जी आपको कल का पता तो इतने की लभ रहे हो। मैं कहा जी तुम मेरे नाल आए हो, मैं लभ रहा तो तुम्हें पता है। तो वो कहते जी नहीं IO साहब नू नहीं पता कि लभ रहे हो। मैंने कहा यार LEB551 नंबर है, तो वो मतलब वो कहता है जो नंबर है तो लभ देगी पे हो। मैं कहा ये क्या बात हुई? फिर वो कहता है भाई जान जो नंबर आ जाए ना IO साहब ने करना है जो करना है, तुम एवं इतने खजल हो रहे हो। हाँ बात भी ठीक है। उसके बाद वो उसने भी अपना नामा पूरा किया है, वो अपने घर चला गया। मैंने उसे रिक्वेस्ट किया, मैंने कहा देखो जी लोगों के घरों की फुटेज होती है 1 दिन 2 दिन या मैक्सिमम 3 दिन का बैकअप होता है, हमारे घर में भी 2 दिन का बैकअप है, लोगों के घरों का बैकअप खत्म हो जाएगा देन हाउ यू कैन ट्रैक, या वो किस तरह आप बाद में क्या करेंगे? मतलब बाद में तो वो केस फाइलों में दबता जाएगा, उसको आप मूवमेंट करें कुछ दें, एक ट्रेल मिल रही है, आपके पास सुराग ना हो तो आप कहें यार अब सुराग नहीं है, पता नहीं क्या होना है, सुराग मिल रहा है, गाड़ी का नंबर है, फिर भी इतना कोई ठंड मोल है कि असल में ना उनके पास टाइम ही नहीं है। मैं जब जाता हूँ दे आर सो मच बिजी इन मतलब नो टाइम, मैं ही जाके याद करता हूँ जी क्या हुआ, ए बंदा नाल ले जाओ जाके देखो। मैं दूसरा दिन है आज और मैं जलील हो गया हूँ, बस जा के साथ लोगों की बल्ले बजा बजा के, वो ऐसे लग रहा है मैं अपने केस का खुद ही इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हूँ और मैं खुद ही सर्च कर रहा हूँ और सब अपना कोई ढूंढ रहा हूँ गाड़ी किधर है, और कोई मुझे बंदा नज़र नहीं आ रहा, कोई मुझे चला रहा हो, कोई मुझे बता रहा हो, कुछ नहीं है। मैं थक हार के घर आ गया। अब मैंने सोचा, मैंने कहा यार ऐसे मैं क्या करूँगा, मैं 1 दिन 2 दिन 4 दिन कब तक भागूंगा, मैं कोई अपना काम करूँगा, कोई अपना कोई सिलसिला देखूँगा, या मैं अब वो जो पैसे चले गए मैं उसी को रोता रहूँगा। बेसिकली मेरा ट्रेडिंग का काम है और मेरी अमाउंट तकरीबन अमाउंट तो मेरी बड़ी है, 2 मिलियन से ज़्यादा है। तो लेकिन मेरे पास कैश था, मैंने काफ़ी जगहों से कलेक्ट किया था, कुछ बैंक से था, अब वो मैं मतलब मेरे पास रिसीविंग थी, वो हर चीज़ मेरी स्नैच करके ले गए हैं। तकरीबन मेरे पास अमाउंट 2 से 4 मिलियन के दरमियान थी, लेकिन मैंने अपना उसका एक रखा है 2 मिलियन पे, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट नहीं पता था कि वो मैंने उसको एक 2 मिलियन तक इंक्लूड किया है। लेकिन ये तो एक मेरे लिए तो एक बड़ी अमाउंट है, अब हो सकता है उनके लिए ये रोज़ की मामूल की बात है, तो सॉरी टू से मुझे ऐसी कोई पॉजिटिव होप कोई नहीं है। मतलब वो अभी तक कोई किसी किस्म की मुझे कोई हलचल कुछ नज़र ही नहीं आया। मैं जाता हूँ जाके कहता हूँ भाईजान कुछ कर लो, हाँ जी वो इन्हों का भी केस का की करना, अच्छा ये पता चला गया। वो मैं 2-4 घंटे उनके साथ खपता हूँ, मैं अपने घर आ जाता हूँ, फिर मसला मैं कोई 2 घंटे रोटी खा के फ्रेश होकर फिर मुझे याद आता है यार 20 लाख, फिर वो उनके पीछे जाता हूँ,
और फिर वो कोई बंदा लगा देते हैं मेरे साथ बस, मतलब वो मैं ही, मुझे लग रहा है मैं खुद ही इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हूँ, तो उनके दो बंदे तो नहीं गए तो माशाल्लाह मेरे पास भी दो चार अपने बंदे हैं, मैं उनको भी गाड़ी में बैठा के खुद भी कर सकता हूँ, तो बस ये चल रहा है मेरे साथ। तो अनफॉर्चुनेटली पूरे लाहौर में स्मार्ट सिटीज़ कैमराज लगे हुए हैं, सेफ सिटीज़ कैमराज लगे हुए हैं, एक गाड़ी ट्रेस हो गई है। आप अगर एक गाड़ी नहीं पकड़ सकते, आप बंदा या मोटरसाइकिल एक कोई बाइक वाला आप क्या पकड़ेंगे, मतलब क्या आप क्या चीज़ ट्रेस करेंगे? हम तो बिल्कुल महफूज नहीं है। मुझे एहसास हुआ इस चीज़ का कि आप कोई कारोबार कोई काम कुछ भी नहीं कर सकते। मुझे ऐसा लग रहा है मुझे को कल को अपने साथ कोई, मुझे भी को अपने साथ कोई एक आधा वीगो डाला लगाना पड़ेगा, साथ चार गनमैन बैठाने पड़ेंगे, ताकि मुझे जहाँ पर कोई बंदा नज़र आए मैं कहूँ कि भाई इसने मेरे साथ गाड़ी भी रोकी है, मार दो मार दो मार दो, कोई नहीं देखी जाएगी बाद में। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि मुझे इसी तरह करना चाहिए। मैं एक वीगो डाला रख के चार बंदे भी रखूँ तो शायद साल की तनख्वाह उनकी 10 लाख रुपया ना बने। इस तरह तो साल बाद जितने पैसे चले जाते हैं उससे अच्छा फिर यही काम कर लिया जाए।